स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। प्रभास और कृति सेनन स्टारर पौराणिक ड्रामा आदि पुरुष साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। जहां कई लोग फिल्म के ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं समाज का एक वर्ग फिल्म में इस्तेमाल किए गए वीएफएक्स पात्रों के चित्रण से खुश नहीं है। एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर ने भी फिल्म में राम भगवान के किरदार के लिए निर्माताओं की खिंचाई की और सवाल किया कि उनके चेहरे पर बाल क्यों हैं। इस पर प्रभास के फैंस ने फिल्म पर उनके कमेंट्स के लिए एक्ट्रेस को तगड़ा जवाब दिया है। गुरुवार को एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म आदि पुरुष पर अपने विचार साझा किए। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, क्या कोई परंपरा है जहां भगवान राम जी और लक्ष्मण को मूंछों और चेहरे के बालों के साथ चित्रित किया जाता है? फिर ये सब क्यों? खास तौर पर प्रभास के तेलुगु वर्जन में मुझे लगता है कि प्रभास कर्ण की तरह दिखते हैं, राम की तरह नहीं। प्रभास के फैंस को कस्तूरी शंकर की ये बातें कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस से तरह तरह के सवाल पूछे। एक कमेंट में लिखा था, क्या आपने राम को व्यक्तिगत रूप से देखा? एक अन्य ने लिखा, सिर्फ मूंछों पर ही इतना बखेड़ा क्यों? क्या मानव रूप में अवतार सहित एक आदमी के लिए मूंछ और दाढ़ी बढ़ाना स्वाभाविक नहीं है? एक अन्य फैन ने कहा, वो कस्तूरी शंकर ने टाइम ट्रेवल करके वापस आई है, मुझे वो टाइम मशीन भी चाहिए। एक अन्य टिप्पणी में लिखा है, क्या कोई ऐसा स्रोत है जो ये बताता है कि श्री राम के पूरे अवतार में चेहरे पर बाल नहीं थे? ओम राउत द्वारा निर्देशित आदि पुरुष संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित है। फिल्म में प्रभास राघव भगवान राम, कृति सेनन जानकी के रूप में, सनी सिंह लक्ष्मण के रूप में और सैफ अली खान लंकेश यानी कि रावण के रूप में हैं। ये फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।